है बोल क्या वो 90 FPS? हाँ 90 FPS आया ना वन प्लस में, बात है भाई बढ़िया वो सब में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अर्ली मेरे ख्याल से अर्ली रिलीज करने के लिए बाकी में आ जाएगा। माय जॉड ये जो लाइनअप है डेड शॉट किक्की मैं और अमन, तो हम अभी दो तीन टूर्नामेंट साथ खेल के देखने वाले हैं क्योंकि अभी तो हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह सब बैठ रहा है, हम किल्स निकालते हैं। देखो मैच भी चालू हो गया। नोवा जील की ये सेकेंड लाइनअप नहीं है, मेन लाइनअप ही अपनी मेन है, एक ही लाइनअप है ये, बस हम अभी खेल रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास कोई लाइनअप नहीं है तो हम अभी खेल के देख रहे हैं, एक दो टूर्नामेंट में खेल के देखेंगे, बाकी यही है। अब मैं मेन टीम में नहीं हूँ, आई एम ओनर, ओनली ओनर। आप मेरा ये आपसे रहेगा कि आपके टीम में छह मैन रोस्टर है, यहाँ पे हमने देखा एंटो भी आते हुए, वीरू को भी आते हुए, तो इज इट कि कुछ मैप ओरिएंटेड रहता है या फिर सिचुएशन ओरिएंटेड रहता है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर मैप पे वीरू आ गए या फिर एंटो खेलने लग गए, क्या हमको दलजीत भी आगे देखने को मिल सकते हैं? या देखो हर चीज़ रहता है अपने टीम प्लेयर्स के अप्स एंड डाउन्स पे, कभी कोई प्लेयर फॉर्म में रहता है, कोई इनफॉर्म रहता है, बस उसके हिसाब से हम लोग शफल करते हैं। जी बहुत बढ़िया। और आपकी जो ओवरऑल आज जैसे डे बोला आपने, एक ऑरेंज रॉक की तरफ से एक बेहतरीन आउटिंग देखने को मिली, अच्छे खासे किल्स भी निकले थे सैनॉक पे, ऑब्वियसली वहाँ पे आप अनलकी रह गए थे, यूटिलिटीज मेड्स कुछ भी नहीं बचे थे, बट क्या इससे भी बेटर एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख सकते हैं कि कल आपको आई थिंक किल ओरिएंटेड अगर बात करें वो देखने को मिल सकती है? हाँ ऑब्वियसली इससे बेटर परफॉर्म करना है क्योंकि आज हम लोग ने एक चिकन डिनर भी मिस किया और बहुत सारे मैसअप भी किया, लास्ट एंगल में भी हम लोग ने बहुत मिस कम्युनिकेशन के चक्कर में एक अच्छा पॉइंट का लीड जो था हमारे पास वो हम लोग ने मिस आउट कर दिया, तो ये ऑब्वियसली ये सब गलतियाँ कल दोबारा रिपीट नहीं होगी तो बेटर परफॉर्म तो होना ही करना ही हमें पूरा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो एक फनी रहेगा, तो आज जैसे आप अभी बोल रहे थे गलतियां हुई है, तो आपके हिसाब से आज मवी का जो कहर किसके ऊपर बरसने वाला है, मतलब एक स्पेसिफिक नेम बताइए। कहर तो क्या, हम मैं और मावे एक दूसरे पे कहर तो और किसी पे नहीं कहर। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। वेल स्काउट, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। और जो पोल पोजीशन है वो आपकी गुड इवनिंग, जॉनी बैंडिनी हियर विद अ डेवलपिंग स्टोरी। Insiders claim there's a new Dr. Disrespect bootleg video circulating within the community, and sources say this video may be leaked later today. We reached out to the most ruthless gamer in the online gaming community for comment, but we were forwarded straight to his voicemail. Interesting enough, his actual voicemail recording could give us a clue on what to expect. Here, take a listen. It's a developing story because I am now receiving word Dr. Disrespect may return to streaming as soon as today. This is some big news from the two-time streamer of the year, and thankfully here at VSM News our sources are actually legit. And this was your VSM News. बट वो बिल्कुल जाएगी नाकाम, बट अभी देखते हैं क्लच गॉड ने एक अच्छी खासी रिच अपनी टीम को दिला दी, बट फ्लाइंग नियो इज अंडर दैट थ्री स्टोरी। अब देखते हैं क्लच गॉड नॉक डाउन होता है कि नहीं, बट सामने से अच्छा खासा उन्होंने काउंटर अटैक लिया जरूर, बट अब देखते हैं द फ्लाइंग नियो Oh my God. ये किस तरीके से पार्टी गाले, बिकॉज उनकी जो एक पोजीशनिंग थी अब जंपर को उन्होंने फंसा लिया है, फ्रेडो को अभी बाहर रखो जब तक वो ग्रेन पुल करते हैं, उनको भी बाहर रखो, अब क्लच गॉड अगर नॉकडाउन निकाल दे फ्रेडो को दैट विल बी अ प्लस वन, बट जंपर को आपको निकालने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नियो की छलांग एक बहुत बेहतरीन छलांग है, फ्रेडो सिरे में जंपर लेकिन टीम भी ले रहे हैं, सी गॉड ने मैन परांग को डाउन कर दिया है, क्लच गॉड डाउन हो चुके, फ्रेडो के द्वारा ऊपर आने की यहाँ पर कोशिश रह सकती है जंपर के एरिया के पास, लेकिन यहाँ पर फाइट हो चुकी है, स्टेयर्स के एरिया में नियो डाउन हो चुके फ्रेडो के द्वारा, अब यहाँ पर सी गॉड ओपनिंग से एक ओपनिंग बाहर से एक ओपनिंग निकालना चाहते हैं, लेकिन फ्रेडो
अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। TSM Entity के प्लेयर्स धीरे धीरे यहाँ पर बिखर जरूर रहे हैं और यूडू के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट निकालते हैं। इस बार यहाँ पर पंच करते हैं यूडू के प्लेयर्स, जिस तरीके से सिचुएशंस बन रही हैं। आप देखिए जंपर इज आउट देयर, इस एरिया में जॉनथन अभी बचे हुए, जॉनथन इस फाइट का कोई हिस्सा नहीं चाहेंगे और वापस से पीछे के डायरेक्शन में जा जरूर है। दोस्तों स्काउट क्राइंग, रुको देख रहे स्काउट क्यों हो रहा है, बोल रहे स्काउट क्राइंग गाड़ी के चक्कर कार हो रहा है। अरे वो दोनों छूटी है, एक मवी स्काउट ये बहन की लोड़े, उसके चैट में लिख रहे मवी क्राइंग भाई। मार कसम भाई, कितने लंडा है ये लोग, क्या है मैं भाई, और कितनी मादर चोद लोग है भाई। अरे अभी स्काउट लाया, है जो ये सब के टाइम पे भी साथ देंगे, तो कुछ होते हैं हेटर तो 1v4 हो जा तो पूरा चैट में स्पैम कर देंगे। अरे नो 1v3 हो गए, मेरा कुछ जीतते हैं ना तो बेचारे खुशी नहीं मना पाते, पता है इसलिए होता है वो। सुनना सुनना, पीएमएस के पहले अब कितना 1v3 1v4 सब हुए, पूरा अपन हकते तो पूरा चैट में स्पैम होता था। पीएमएस सेकंड आ गया भाई, अरे ओपी फैनेटिक आवाज चले गया।